हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे गैगटेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको ऑनलाइन मूवी बुक करके दिखाने वाला हूं, जो कि बुक माई शो एप्लीकेशन पे मैं आपको मूवी बुक करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मुझे कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको कैसे मूवी बुक करनी है, ऑनलाइन मूवी बुक करना नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में गाइस, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, शुरू से कैसे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद कैसे आपने उसमें लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद कैसे आपने सिनेमा को सर्च करना है, और उसके बाद मूवी टिकट बुक करके, यानी कि मूवी टिकट सिलेक्ट करके उसकी पेमेंट करके कैसे आपने फाइनली मूवी टिकट बुक करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस, आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद गाइस, आपने सर्च बार में लिखना बुक माई शो। बुक माई शो लिखने के बाद गाइस, आपको बुक माई शो की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। तो गाइस, आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस, आपने इसको ओपन करना है। तो गाइस, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहां पे गाइस, आपने ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको बोलेगा कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। तो गाइस, अगर आप इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहां पे अपने गूगल के थ्रू आप इसको साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करके इसमें साइन अप भी कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा, उसके बाद इसको लॉग इन कर लेता हूं। जैसे यहां पे लॉगिन हो जाएगा, अभी आपको बोलेगा आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप अपनी लोकेशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे डिटेक्ट लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप सिलेक्ट मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट मैनुअली वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको बोलेगा ये अपनी सिटी सिलेक्ट करने के लिए। तो यहां पे आपको जो पॉपुलर सिटीज है इंडिया की वो आपको शो हो जाएंगी। नीचे आपको यहां पे टोटल सिटीज सिलेक्ट हो रही होंगी, तो यहां पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी सिटी का नेम सर्च कर सकते हैं यहां पे टाइप करके। तो यहां पे मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहां पे नेशनल कैपिटल का जो साइन यहां पे आपको देखने के मिलेगा इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब नेशनल कैपिटल के अंदर कौन से एरिया में मैं रहता हूं, या किस एरिया में मुझे सिनेमा घर में, कौन से सिनेमा घर में मुझे टिकट बुक करनी है, मैं यहां पे उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने अभी दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं दिल्ली सिलेक्ट करूंगा, यहां पे आपको फिर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस आपको मूवीज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी मूवी आप बुक करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आसपास के सिनेमा घरों में लगी हुई होगी, वो रिलीज हो रखी होगी, तो आपको शो हो जाएगी, या फिर हाल फिलहाल में रिलीज होने वाली होगी तो भी वो आपको शो हो जाएगी। तो गाइस, में आजकल जो सुर्खियों में मूवी चल रही है, जिसका काफी पॉपुलर है आजकल, शाहरुख खान की पठान मूवी आने वाली है, तो मैं उसको आपको बुक करके दिखाऊंगा। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पठान मूवी का ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें, तो मैं उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के ऑन डिमांड ये ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन मूवी बुक करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पठान, यहाँ पे पोस्टर आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मूवी का भी आपको साइन देखने के लिए मिलेगा। जो भी मूवी आपने बुक करनी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आपको मूवी शो हो जाएंगी। तो पठान मूवी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मूवी की यहाँ पर डिटेल आपको शो हो जाएगी, क्या मूवी के बारे में वो डिटेल, यहाँ पे मूवी अबाउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे उसकी कास्ट में क्या क्या एक्टर और एक्ट्रेस है, नीचे क्रू कौन कौन है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको डायरेक्टली यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली मूवी टिकट बुक करना बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर बुक टिकट्स का एक ऑप्शन देखने के मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन कौन सी रखनी है, कौन सा आपको लैंग्वेज और फॉर्मेट स्क्रीन का होना चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी सिंपल आपको 2D में बुक करके दिखाऊंगा। 2D मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको डे और डेट, यहां पे किस डेट में आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट में आप मूवी टिकट बुक करना चाहते हो, आपने वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि गाइस, मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे 26 जनवरी में मैं यहाँ पे मूवी बुक करूंगा 26 जनवरी को। जैसे मैंने 26 जनवरी को क्लिक किया, यहाँ पे जो भी शो होंगे, यहाँ पे जो भी अवेलेबल होंगे वो ग्रीन कलर में शो हो जाएंगे। सिनेमा के यहाँ पे नेम आ जाएंगे, और पीछे जो आपको ये नेम दिखाई देगा कनॉट प्लेस, ये एरिया का नेम होगा, और आगे आपको सिनेमा का नेम दिखाई देगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर सकते हैं आपको किस सिनेमा घर में मूवी बुक करनी है, किस एरिया में मूवी बुक करनी है, या फिर आप यहाँ से अपना एरिया का नेम डाल के, या फिर सिनेमा घर नेम डाल के आप यहां पे मूवी भी बुक कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अभी एक मूवी बुक करके दिखाता हूं। तो मैं आसपास के एरिया में एक मूवी बुक करूंगा। मैं सबसे पहले यहां पे सिनेमा सर्च कर लेता हूं जिसमें मुझे बुक करनी है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये जंगपुरा एक्सटेंशन एरिया है, ये मेरे घर के थोड़ी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। मैं इसमें आपको मूवी बुक करके दिखाऊंगा। मॉर्निंग का शो है, तो यहाँ पे मॉर्निंग शो है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ग्रीन वाला जो है, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन होगी, आप पढ़ लेना, मैं आपको डिटेल में पढ़ के नहीं सुना सकता। और आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, अब आपसे पूछेगा आप कितनी टिकट्स बुक करना चाहते हैं, कितने मेंबर के लिए आपने मूवी टिकट बुक करनी है। अगर आप सिंगल हैं, या 2 हैं, या 3 हैं, 4 हैं, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको सिनेमा की यहाँ पे कौन सी प्रीमियम है, या इनसाइन है, कौन
सा आपको बुक करना है वो आपको प्राइस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं दो टिकट बुक करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट सीट मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो ग्रीन आपको शो हो रहा है, ग्रीन जो चेकबॉक्स बने आ रहे हैं, इसका मतलब ये अभी सीट्स खाली हैं, और जो यहाँ पे इनविजिबल हो रही हैं ग्रे कलर में आ रही हैं, वो सीट यहाँ पे बुक हो चुकी हैं, सोल्ड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे भी आपको ये कलर गाइडेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो मुझे दो सीट बुक करनी है, मैं यहाँ पे प्रीमियम, जो प्रीमियम है मैं उसमें दो सीट बुक कर लूँगा, जो भी मुझे बुक करनी है मैंने दो सिलेक्ट कर ली है, आप देख सकते हैं सीट नंबर 21 और 20। उसके बाद नीचे आपको प्राइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, टोटल प्राइस जो है वो यहाँ पे 295 की एक टिकट है, और दोनों का, दो टिकट का हो गया 590। उसके बाद आपने पे वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे गाइस, उससे पहले मैं पेमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने एक बार सिनेमा देख लेना अच्छे से, एरिया देख लेना किस एरिया में आप बुक कर रहे हैं, और टाइम देख लेना आपने कौन सा टाइम का शो बुक कर रहे हैं। कई बार AM PM का धोखा हो जाता है, काफ़ी लोगों को मिस्टेक हो जाती है और वो अपना शो मिस कर देते हैं, इसलिए आपने सारी डिटेल अच्छे से करेक्ट करके चेक कर लेनी है पेमेंट करने से पहले। उसके बाद आपने पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप साथ में कोई चीज़ एड ऑन करना चाहते हैं, कोई भी जैसे कि आपने पॉपकॉर्न वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली स्किप के बटन पे क्लिक करके इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टिकट की आपको डिटेल दिखाई देगी, दो टिकट आप बुक कर रहे हैं, हिंदी 2D टिकट बुक कर रहे हैं, किस डेट में टिकट बुक कर रहे हैं, कौन सा टाइम का शो बुक कर रहे हैं, किस एरिया में, क्या सिनेमा का नेम है, सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। 590 रुपये की टिकट का प्राइस है, उस पर टैक्स लगेगा, और जो भी चीज़ें होंगी टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी आप देख सकते हैं, 672.24 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, जबकि जो उसका विदाउट टैक्स प्राइस था वो 590 रुपये था। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी आपको पूछेगा, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर आपने नहीं करी होगी तो सबसे पहले आप जैसे पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी होगी, और आपका मोबाइल नंबर वगैरह आपने यहाँ पे इंटर डालना होगा। अब नीचे आपको पूछेगा आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, तो गाइस आप पेमेंट इसकी ऑनलाइन करना चाहते हैं UPI के थ्रू, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जैसे भी आपने पेमेंट करनी है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा अपनी, क्रेडिट कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालूंगा, उसके बाद पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, पे वाले बटन पर मेरे कार्ड की पेमेंट हो जाएगी। तो मैं अभी अपने कार्ड की पेमेंट डाल देता हूं, उसके बाद आपको फाइनली टिकट बुक करके दिखाता हूं। OTP इंटर करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि पेमेंट हो जाएगी आपके अकाउंट से, ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डेबिट हो जाएगी। डेबिट होने के बाद आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मेरी टिकट यहाँ पर बुक हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये टिकट आपको दिखा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जब आप सिनेमा जाएंगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाना है वहाँ पे, और आपको फिर एंट्री मिल जाएगी। तो दो टिकट है मेरी, इसमें दोनों बुक हो चुकी हैं, पेमेंट भी मैंने कर दी है। तो गाइस आपने इस प्रकार से टिकट बुक कर लेनी है। तो गाइस आई होप कि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।